वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 7। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। एनिमे रैंक्स बाजार एक्सप्रेशन के साथ ही साथ एनिमे रैंक्स एडिट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें एरन का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता। उसी फ्लैशबैक में सारे लोग अपनी अपनी वजह बता रहे होते कि आखिर उन्होंने सोल्जर बनना क्यों चूज किया, और वो लोग इस तरह जा रहे होते जैसे वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो होते भी थे। इसी में राइनर कहने लगता, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद बेरिटोल बोलता, मैं इसलिए सोल्जर बनना चाहता हूँ, मैं इस उम्मीद से हूँ कि मैं मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करूँ ताकि मैं इंटीरियर में सेफ्टी और बचाव का काम कर सकूँ। तो तुम किस लिए बनना चाहते हो एरन? इसका जवाब देते वक्त ही एरन का फेस एक्सप्रेशन बहुत बदल जाता। मैंने फैसला किया है कि मैं सबको मार डालूं। मैंने फैसला किया है कि मैं एक से एक टाइटन को मार सकूं, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। और एरन की नफरत टाइटन के खिलाफ देखने लायक होती। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहते और एक तरफ आके रुक जाते, जिसके बाद रायना दोबारा से कहता, तुम्हें पता भी है वो मॉन्स्टर क्या कर सकते हैं, और तुम तब भी उनसे लड़ना चाहते हो। मुझे पता है अगर कोई कर भी सकता है वो तुम ही हो। मगर अब एरन के लिए वो एक फ्लैशबैक से ज्यादा मायने नहीं रखता। इसी में हमें प्रेजेंट के बारे में दिखाया जाता। इसी फ्लैशबैक को याद करके एरन को काफी गुस्सा आता और वो टाइटन में बदलने लगता। वो बदलते बदलते कहता है, लानत हो तुम पे धोखेबाज। इसी में एरन उस पे वार कर देता और उसके मुंह को दीवार से घसीटते हुए उसे नीचे पटक देता। और दूसरी तरफ मिकासा बस देखती रह जाती, मगर देखने के साथ ही साथ उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा होता। जब उसे वक्त मिला तो उसने क्यों नहीं उनकी गर्दन काटी, वो क्यों रुक गई जबकि वो उस वक्त आसानी से उनकी गर्दन काट सकती थी। आखिर इतने सालों से उनके साथ रहे, वो दोस्त से बढ़ के थे, जबकि इन सब के अलावा दीवार के ऊपर कोलोसल टाइटन ने तबाही मचाई होती। साथ ही साथ उसने यमीर को भी कैप्चर कर लिया होता है, जिसके बायस हिस्टोरिया काफी बेचैन और काफी फिक्रमंद होती। मगर साथ ही साथ उसने किसी और सैनिक को भी पकड़ा होता है। इसी में वो दोनों को अपने मुंह में डाल देता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले दीवार खिसक जाती और सारे लोग थोड़ी देर तक बस खड़े देखते रहते। मगर इसी में सेक्शन कमांडर हांजी सारे सैनिकों पे चलाते हुए कहती है, हम कोलोसल टाइटन को इधर ही गिराएंगे, ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर सारे सैनिक टूट पड़ते हैं और सारे सैनिक उसके वार को बड़ी आसानी से डॉच करते हैं। तभी एक सैनिक उसके करीब से गुजरते हुए दिली दिन में कहने लगता, जैसे कि रिपोर्टर ने कहा, ये टाइटन बहुत स्लो है। इसी में बाकी दूसरे सैनिकों के मन में भी काफी कुछ चल रहा होता। उन्हीं में से एक का मानना होता है बाकी टाइटन से अगर कंपेयर किया जाए ये ज्यादा जल्दी मरेगा। इसी में सारे सोल्जर्स फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इसी में क्लोसर टाइटन अपने जिस्म में से हाई प्रेशर स्ट्रीम रिलीज करता। वो स्ट्रीम काफी गर्म होता, जिस पर मजीद वो सारे सैनिकों को पीछे उड़ा देता और सेक्शन कमांडर भी उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देती। और कुछ लोग इसके स्ट्रीम की वजह से जल भी गए होते हैं। ये धुआं देख के सेक्शन कमांडर कहती है, ये फिर से पहले की तरह भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसके जवाब में आर्मिन कहता है, नहीं कुछ तो बदलाव है, जब आखिरी बार वो गायब हुआ था तो एकदम से हो गया था। वो अपने बदलाव को खोने नहीं दे रहा, साथ ही साथ धुएं का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो अपने आप को इसी तरह बचाता रहा तो हमारा ओडीएम गियर बेकार है, तो अभी हम क्या करें? तो हांजी कहती है, हम इंतजार करेंगे। इसी में हांजी ऑर्डर देती है, स्क्वाड 3 और 4 टारगेट के पीछे पोजीशन ले लो। स्क्वाड 3 को राशिद लीड करेगा और स्क्वाड 2 इधर इंतजार करेगी, मगर स्क्वाड 2 को लोडा कमांड करेगी। और हांजी कहती है, चलो देखते हैं वो कितनी देर ऐसा करता है। और वो एक जबरदस्त मौके की तलाश में होते हैं। वो मौका मिलते ही वो लोग टूट पड़ेंगे इस पे। इसी में सेक्शन कमांडर हांजी मजीद बोलती, भूल जाओ कि हम उन्हें जिंदा पकड़ेंगे, बल्कि मार डालो और मौका मिलने पे पीछे मत हटना। इसी में हांजी दौड़ने लगती, तभी वो कहती, आर्मिन और स्क्वाड 1 मेरे पीछे आएंगे। और वो आर्मर टाइटन की तरफ बढ़ने लगते। और दूसरी तरफ कोनी को नहीं पता होता कि राइनर और बेरिटोल टाइटन बने हुए हैं, जबकि वो उसके सामने टाइटन बन के ही खड़े होते। तभी वो एक लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि राइनर और बेरिटोल के पास ओडीएम गियर नहीं है, प्लीज उनको बचाना। ये सुनते ही वो लड़की काफी हैरान होती। दूसरी तरफ राइनर एरन पे भारी पड़ रहा होता, मगर इस सब के बावजूद भी एरन के दिमाग में काफी फ्लैशबैक चल रहे होते और उसे राइनर पे काफी गुस्सा होता, जो वो बात करता था सोल्जर बनने की
इज्जत और कॉम्बैट ट्रेनिंग इसके लिए तो पूरी मजाक होगी। मगर एरन ने उसे काफी दमदार समझा, जो कि दोस्तों के लिए कुछ भी कर लेता हो। उसे वो इस तरह का शख्स समझता था कि जिसकी तरह वो खुद बनना चाहता हो। इसी में एरन दिल में मजीद सोच रहा था, मैंने हर कुछ किया और सोचा कि एक दिन मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। तभी पीछे से मिकासा आके उस पे अपने ब्लेड से वार करती, मगर उसके ब्लेड्स टूट जाते और किसी काम के नहीं होते, क्योंकि रायना की टाइटन फॉर्म पूरे आर्मर से बड़ी हुई है। इसी में मिकासा दिल में कहती, मेरे ब्लेड्स भी नए काम किए, ना कि एरन के अटैक, जिसपे वो दोबारा वार करती, मगर फिर भी कोई फर्क ना पड़ता। इसी में एरन का हाथ दोबारा से रिजनरेट होने लगता। तभी वो दिल में कहता है, ओए रायना, मुझे नहीं पता इस वक्त तुम कौन सी शक्ल बना रहे होगे। मैं इंसानियत की पूरी हिस्ट्री दांव पे लगा देता हूँ, पर किसी ने इतनी तबाही नहीं मचाई होगी। दूसरी तरफ मिकासा अपनी कोशिशें जारी रखती, मगर इसी में वो देखती है कि एरन उठने लगा है और वो उठते उठते भी सोच रहा होता है। मैं तुम लोगों को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम सोचते क्या थे, समझते क्या थे? मुझे कभी इतनी नफरत और इतना बुरा महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे बारे में सोचने से ही मुझे नफरत होने लगती है। और उठते ही एरन चिल्लाने लगता, जिस पर मिकासा वक्त पे ही हट जाती, मगर एरन के वार से उसे कोई फर्क न पड़ता। इसी में रायनर अपना वार करता, जिसपे एरन दोबारा से हवा में हो जाता। इससे पहले वो जमीन पे गिरता, वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता और वहां पे जमीन पे गिर जाता, और उसका मुकाबला एनी के साथ होता है। जिसपे एरन उसे कहता है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि स्पार करते वक्त थोड़ा होल्ड बैक करते हैं, मतलब कि थोड़ी कम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो एनी कहती है, मैं तो लड़की हूँ तो जारी सी बात है मैं तुमसे कमजोर होंगी। तो एरन कहता है, अगर लड़कियों के पास कम ताकत होती है तो फिर मैं क्यों जमीन पे हूँ। ये सुनते ही एनी कहने लगती, गुड पॉइंट, वैसे भी मैंने तुम्हें जमीन पे अपनी ताकत से नहीं गिराया, मेरे पास एक स्पेशल डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। ये टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल दे तब होती है जब तुम्हारा अपोनेंट तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसे सीखने का सोचती। तो एरन कहता है, समझ गया, क्यों ना हम थोड़ा आराम कर ले। मगर एनी उसे वक्त ना देती और उसे जमीन पे दोबारा से पटक देती और उसे घस के पकड़ लेती, जिसपे थोड़ी देर में एरन सरेंडर कर लेता। मगर एनी उसे ना छोड़ती और उसे कहती, सरेंडर करने के बजाय जरा कुछ सीख लो और जरा ये भी सीखो कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इस बात पे वो उसकी गर्दन पे और प्रेशर डालती। तो एरन प्रॉमिस करता कि मैं जरूर सीखूंगा, अब तो मुझे छोड़ दो। तभी तुरंत से हवा में उड़ता उड़ता रायनर इधर ही आ रहा था। तभी एनी वक्त पे ही पीछे हट जाती और वो एरन के ऊपर जा बचता। रायनर उसकी तरफ उड़ते हुए आया क्योंकि वो मिकासा से लड़ा था। फिर मिकासा आके कहती है, एनी मैं भी ये सीखना चाहती हूँ, तो क्यों ना तुम इधर आके मुझे दिखाओ। तभी दोनों खूनखार शेनिया आमने सामने होने लगती। सारे लोग जमा होने लगते क्योंकि हर कोई देखना चाहता था, इसका बेदर्दी से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कुछ को तो यकीन भी नहीं था कि ये मौका भी उन्हें मिलेगा। यहाँ तक एरन भी सोच में होता कि दोनों खूनखार शेनियों में से कौन ज्यादा खूनखार है। तभी वो फ्लैशबैक के बाहर आते ही जमीन पे गिर जाता। अगर इसी में भी एरन सोच रहा होता है कि आखिर में कौन जीता था। इसी में एरन कहता है, अब ये मुझे क्यों याद आ रहा है, क्या इसे ही कहते हैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपनी आंखों के सामने से गुजरे, मतलब के कोई बुरा वक्त चल रहा हो या मरने वाला हो वगैरह वगैरह। जिस पर एरन को दोबारा से गुस्सा आता और वो दोबारा से खड़ा होने लगता। इसी में आर्मिन कहता है कि तुम सामने से नहीं जीत सकते, रुक जाओ, इसी वक्त दीवार के पास आ जाओ। और थोड़ी दूरी पे ही मिकासा भी जमीन पे उतर आती। एरन दोबारा से चिल्लाने लगता, जिसपे वो लोग समझते हैं कि एरन दोबारा से अपना होश खो बैठा है। दोनों दोबारा से एक दूसरे पे वार करने लगते, मगर बड़ी करीबी से ही वक्त पे ही एरन उसके वार को डॉच कर लेता और वो मंजर देखने लायक होता। और वो उसी मूव का इस्तेमाल करता जो कि एनी ने एरन के खिलाफ किया था, और जो लोग एनी के साथ ही ट्रेनिंग देते थे उन्हें लग पता चल जाता, जो कि वो इसे जमीन पे पटक देता। तभी एरन कहता है, मुझे नहीं पता था तुम लोग क्या सोचते थे और क्या करना चाहते थे, पर तुम्हारे प्लान में हमेशा से सुराख था। और रायना उसे जैसे हटाने लगता है तो वो उस लम्बे को भी अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता। जिस सबके बाद एरन दोबारा से कहने लगता, सोच समझ के मुझे लड़ाई करना सिखाते, मतलब के इसे चाबी देने वाले एनी और रायना ही तो था। एनी चाहती थी वो कुछ सीखे, इसने सीख लिया। रायना चाहता था ये सोल्जर बने और वो बन भी गया, और एरन उस पे काफी प्रेशर अप्लाई करता, उसके आर्मर के साथ ही साथ उसका हाथ तक तोड़ देता। तभी वहाँ पे उसके पास मिकासा और आर्मिन आते। तभी आर्मिन कहता है, एरन
दीवार के करीब आ जाओ, वो तुम्हें कैप्चर करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तब इनका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एरन को यहाँ से भगाना। इसके जवाब में मिकासा कहती है, आर्मिन रायना इतनी आसानी से हमें ये नहीं करने देगा। जिस पे रायना दोबारा से खड़े होने लगता, तभी वहाँ पे एक और सोल्जर आके कहता है, यहाँ पे बहुत खतरा है, इसी वक्त तुम दोनों दीवार के पास आ जाओ। जैसे ही वो लोग दीवार के पास जाते हैं तो वहाँ पे एरन भी आ जाता, तभी वहाँ पे गैरिसन रेजिमेंट का स्पेशल स्क्वाड भी आ जाता, जिस पर वो पहली बार एरन का टाइटन फॉर्म देखता। तभी हांजी उसके पास आके कहती है कि तुम दोबारा से उसी तरह उसे झपट के पकड़ के उसकी टांग तोड़ सकते हो, क्योंकि वो एरन को यहाँ से भगाना चाह रहे होते हैं और ये लोग यूजलेस है क्योंकि इनकी ब्लेड उस पे काम नहीं करते। तो एरन उसे अपना सर हिला के हाँ कहता। इसी में हांजी की एक्साइटमेंट उसके खून से ज्यादा तेजी से उसके जिस्म में गर्दिश करने लगती। इसी में आर्मिन मिकासा को अपने ब्लेड्स दे देता। तभी एरन दोबारा से सोचने लगता, गुजरते वक्त के साथ ये गारंटी है कि मेरी जीत है, अगर किसी की हार है वो इन लोगों की है। इसी में रायना तेजी से आके एरन पे बच जाता। इसी में एरन जमीन पे गिर जाता और रायना उस पे वार करने लगता जिसे वो टॉर्च करता रहता। आर्मिन उड़ते हुए कहता है, जमीन पे रहना ठीक नहीं है, खड़े हो जाओ। इस पे एरन भी उसे गिरा के खड़ा हो जाता और सारे लोग काफी हैरान होते कि रायना इतना तेजी से कैसे मूव कर सकता है। इसी में हांजी कहती है, नहीं इसका पूरा जिस्म आर्मर से बना है तो ये तो इसके लिए नामुमकिन होना चाहिए, वो इसलिए इतनी तेजी से हिल पाया। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोग बहुत पहले वार में इस्तेमाल करते थे, एक ऐसा आर्मर जो कि हर तरफ से कवर होता था, अगर उसमें बीच बीच में सुराख होते थे, जारी सी बात है, ताकि बंदा हिलजुल सके। और जो सबसे अच्छी स्ट्राइकेबल जगह है वो इसके नीज के पीछे है। देखते ही देखते एरन दोबारा से उस पे बारी पड़ने लगता। इसी में मिकासा बड़ी तेजी से उसके वीक स्पॉट पे अटैक कर देती जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल अपनी टांगों पे खो देता। तभी एरन उसकी बैग का आर्मर तोड़ने लगता। इसी में सारे लोग चीखे मारने लगते कि तुम अब कर सकते हो और वो रायना के लिए उसका अंत हो सकता था, मगर रायना एरन को घसीटते घसीटते आगे ले जाने लगता, जिस पर किसी को कुछ समझ में ना आता कि आखिर वो ऐसा करके क्या कर पाएगा। और तभी वो एक जगह पे जाके रुक जाता जिस पर रायना एक जोरदार चीख मारता जो कि क्लोजर टाइटन के लिए एक सिग्नल होता है, जिस पर हांजी समझती है ये भी एनी की तरह और टाइटनों को आवाज दे रहा है। इसी में क्लोजर टाइटन ढीला पड़ने लगता। ये देख के दीवार के ऊपर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और उन्हें लग पता चल जाता, जिस सबके बाद क्लोजर टाइटन नीचे गिरने लग जाता। जितने भी लोग दीवार के ऊपर होते हैं वो सारे चीखे मारने लगते कि तुम्हारे ऊपर से आ रहा है, जो कि सीधा एरन के ऊपर ही गिर रहा होता। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।